हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल तो इस ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि पाइथन पर वर्क करने के लिए हमें किस किस सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है हम इस ट्यूटोरियल में उन सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे जो कि हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं पाइथन पर वर्क करने के लिए अगर आप लोग ये पहले से ही जानते हैं कि पाइथन के लिए किस किस टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हैं एंड आने वाले ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं Python is available for use with Windows, Linux, macOS as well as certain other platforms such as IBM AS/400, IOS, Solaris, etc. जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था कि Python क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम Python को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली रन कर पा सकते हैं. In order to execute Python programs we need Python software, text editor or IDE. कमांड लाइन इंटरफेस और टर्मिनल और आइडियली तो सबसे पहले हम पाइथन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं वेन द पाइथन सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन अवर मशीन इट हैज इंटरप्रेटर एंड अ लाइब्रेरी जब हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं पाइथन के सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो चीजें होती हैं एक होता है इंटरप्रेटर एंड एक होती है लाइब्रेरी तो जब हम अपने सिस्टम में पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो पाइथन का सॉफ्टवेयर हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है एक होता है इंटरप्रेटर एंड एक होती है लाइब्रेरी इंटरप्रेटर पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज में आता है एंड लाइब्रेरीज की हेल्प से हम अपने पाइथन कोड में जो पाथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं फंक्शन होते हैं डेटा टाइप्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं एडिटर्स एंड आई डी ई फॉर पाइथन कोड पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट कराने से पहले हम पाइथन के कोड को किसी टेक्स्ट एडिटर या आई डी ई पे लिखते हैं यहां पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट एडिटर एंड आई डी ई है जिस पर हम अपने पाइथन के कोड को लिख सकते हैं जैसे वी एस कोड हो गया पाईचार्म हो गया एनाकोंडा हो गया जुपिटर नोटबुक हो गया नोट पैड प्लस प्लस हो गया थॉनी हो गया पाइथन आई डी एल आई डी ई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड आई डी एल ई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट आई डी ई एंड आई डी एल ई में डिफरेंस यही होता है कि आई डी ई पे हम पाइथन के बड़े बड़े प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं वहीं पर आईडीएल में हम पाइथन के छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिखते हैं एंड उन्हें एग्जीक्यूट कराते हैं तो इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम बी कोड का यूज करेंगे पर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि हम के थ्रू किस तरह से पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इन ऑर्डर टू रन अ पाइथन स्क्रिप्ट यूजिंग कमांड लाइन वी नीड टू फर्स्ट सेव अवर कोड एज अ लोकल फाइल एंड आफ्टर दैट रन दैट फाइल ऑन अ टर्मिनल आईडीएल पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने से पहले जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया आपको के उस, उसको एग्जीक्यूट कराने से पहले हमें फाइल में लिखना होता है देन हम उस फाइल को सीएल टर्मिनल या आईडीएलई के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं तो इस ट्यूटोरियल में हम जिस कमांड लाइन को यूज करेंगे वो है गेट पर इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि विंडो सीएल आई विंडो शेल के थ्रू किस तरह से पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं ऑल्सो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को किस तरह से पाइथन आईडीएल पर लिखते हैं एंड उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही हम हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन के सॉफ्टवेयर को किस तरह से हम अपने टेक्स्ट एडिटर्स को एंड किस तरह से हम सी एल आई को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में एंड देन उसके बाद किस तरह से हम पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हैं होप आपको चीजें समझ आई होंगी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट लर्न टू एन लेट कॉम स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक यू